दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इस प्रकार का मल्टीपल हार्ट वाले लोगों को कैसे बनाना है। इसका पूरा स्टेप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चैनल में सभी का स्वागत है, मैं हूं प्रकाश और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने न्यू पेज में आ चुका हूँ। सबसे पहले टूल बॉक्स में से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ इस तरह से। पिक टूल लिया और इसका साइज को मैंने यहाँ से डाल देना है 250x100 और इंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से ये बन जाएगा। सेव टूल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इस वाले कॉर्नर में क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। इस तरह से ये बन जाएगा, यानी कि सारा कॉर्नर ये राउंड हो चुका है। पिक टूल लिया सिलेक्ट रहते हुए टूल बॉक्स में से यहाँ से मैंने काउंटर टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसका कॉपी को मैं बढ़ा देता हूँ। इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं और यहाँ का जो गैप है मैंने 12 mm रखा है, आप जितना भी रख सकते हैं। चलिए पिक टूल लिया आप सिलेक्ट रहते हुए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मिड पॉइंट, पकड़ करके ड्रैग करेंगे नीचे की ओर। यहाँ पर आपको मिल जाना है मिड पॉइंट, यहाँ पर भी राइट क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा। फिर से इसको और एक कॉपी बना लेता हूँ। इस तरह से मैंने 3 कॉपी बना लिया है। बाहर क्लिक डिसलेक्ट, आप हैंड टूल का एक प्रेस करेंगे और इधर ऊपर की ओर करते हैं, यहाँ तक लगभग ठीक है। पिक टूल या आप टूल बॉक्स में से यहाँ से फ्री हैंड टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाना है नोड, यदि इस तरह का ना दिखे तो आप यहाँ पर ये स्नैप टू में जाइए और यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ से इस वाले ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन को टिक कर दीजिए, आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। चलिए वापस मैं यहाँ आ जाता हूँ और इस तरीके से मैं लाइन ड्रा करूंगा यहाँ तक। यहाँ पर आपको मिल जाना है नोड और इस प्रकार से यहाँ भी आपको मिल जाना है नोट, क्लिक करेंगे और यहाँ तक मैंने ड्रा करूंगा या तो नीचे तक। चलिए ठीक है, पिक टूल या आप सेलेक्ट रहते हुए मैंने शिफ्ट के साथ में इसको लंबा करनी है तो दोनों तरफ ऊपर नीचे बराबर लंबा हो जाएगा। बाहर क्लिक डिसलेक्ट, इसको भी सेम ऐसे ही करने वाला हूँ। इस तरीके से शिफ्ट के साथ मैंने ड्रा कर दिया। बाहर क्लिक डिसलेक्ट, कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल जी करेंगे सिलेक्ट और ग्रुप करने के लिए। बाहर क्लिक डिसलेक्ट, अब यहाँ से मैंने स्मार्ट पिलर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मैंने डिफॉल्ट कलर ही अप्लाई कर लेना है सबसे पहले इस तरह से। चलिए लगभग ठीक है, अब हैंड टूल के लिए एच प्रेस करेंगे, नीचे कर लेता हूँ। फिर से इसी टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैंने फिलअप कर दिया। चलिए ठीक है, बाहर क्लिक डिसलेक्ट, इस प्रकार से ड्रैग करिए और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करिए, डिलीट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ से वेल्ड, इसको भी इसी प्रकार से इधर सेलेक्ट करिए और यहाँ से वेल्ड करिए। इस तरह से वेल्ड हो चुका है। हैंड टूल के लिए प्रेस कर लेते हैं हम और फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से वेल्ड कर लेता हूँ। इस प्रकार वेल्ड हो चुका है। इसको मैं जूम कर लेता हूँ इस तरह से और इधर करता हूँ। चलिए लगभग ठीक है, मेरे अंदाज से ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, जी प्रेस करेंगे कीबोर्ड में से और यहाँ से फॉन्ट एंड फिल और यहाँ से एलिप्टिकल, इस वाले पार्ट को मैं इधर घुमा देता हूँ यहाँ पर इस तरह से। और इसको मैं छोटा करूँगा, यानी कि मैं इसको राउंड कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ठीक ठाक है, इसको ड्रैग करेंगे इस तरह से यहाँ तक, लगभग यहाँ तक ठीक है। और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ इस तरीका से। चलिए इसको इधर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कलर अप्लाई करना है, रेड कलर को मैंने यहाँ पर बीचों बीच डाल लेना है। चलिए ज़्यादा हो गया, चलिए एडजस्ट कर देता हूँ ठीक है। और ब्लैक को मैंने यहाँ पर सामने में डाल देता हूँ और एक ब्लैक को मैंने यहाँ पर सामने में डाल देता हूँ। चलिए ठीक है, अब इधर वाले को भी इसी प्रकार से मैंने कर लेनी है यहाँ पर, इसको मैं इधर कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर मैंने इसी प्रकार से कर देनी है। चलिए ठीक है, और ब्लैक को इधर करेंगे और एक ब्लैक यहाँ पर सामने में कर देता हूँ इस तरह से, लगभग बन चुका। मैंने एक काम कर देना है, यहाँ पर मैंने इधर ब्लैक इसमें डाल देना है इस प्रकार से, ये बाद में प्रॉब्लम करेगा। तो इसमें भी मैं सेम वैसे ही कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैंने इस पे ब्लैक कर देता हूँ और इसमें ब्लैक कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, अब अपन क्या करना है, जी प्रेस करेंगे वापस और ई वाला को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉपी करके मैंने यहाँ क्लिक करेंगे, सेम टू सेम आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ
चलिए लगभग मेरे ख्याल से और थोड़ा सा इसको इधर करना चाहिए। चलिए ठीक है, फिर से मैं इसको नीचे कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉपी और यहाँ से अप्लाई करेंगे। अब इस वाले को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी और इसको सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से बन जाना है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, यानी कि इसके साथ में बराबर आना चाहिए। चलिए ठीक ठाक है। आप फिर से मैं जी प्रेस करके इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी यहाँ से अप्लाई। चलिए लगभग ठीक है। हैंड टूल को लेग प्रेस करेंगे, अब रह गया ये वाला। जी प्रेस करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉन्टेंट टूल, यहाँ से इलिप्टिकल और इसको छोटा कर लेता हूँ। इस तरह से गोल करूँगा, राउंड हो गया। इसको ड्रा करके लंबा चौड़ा कर देता हूँ। चलिए इस तरह से, और इसको मैं इधर से बड़ा करूँगा। इस प्रकार से इसको इधर कर देता हूँ और रेड को मैं यहाँ पर डालूँगा। चलिए ठीक है। ब्लैक को मैं साइड में डालूँगा और एक ब्लैक को मैं इधर डाल देता हूँ। लगभग इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, इसको भी इधर करके देखता हूँ। नहीं सही है, इसी को मैं छोटा करूँगा इस तरह से। लगभग ठीक है, मैंने ब्लैक को इधर भी डाल देनी इस तरह से। और यहाँ पर अच्छा से तो नहीं बना है, इसको मैं एडजस्ट करता हूँ इस तरह से। चलिए ठीक ठाक है, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। लगभग इतना सही है। सेलेक्ट करूँगा कंट्रोलर से और यहाँ से इसका आउटलाइन को नल कर देता हूँ। लगभग ठीक है, और कंट्रोल जी कर देता हूँ, ग्रुप हो जाएगा। और टैब से ओपन करेंगे ट्रांसफार्म को ओपन करने के लिए। मैंने यहाँ से ओपन करना ऑलरेडी ओपन करके रखा है। स्केल एंड मिरर, इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर सही जगह पर ठीक है। चलिए यहाँ पर मैंने हॉरिजेंटल ठीक है, कॉपीज वन यहाँ से अप्लाई। इस प्रकार ये बन जाएगा। और कंट्रोल ए करेंगे पूरा दोनों को सेलेक्ट करने के लिए, और जी करेंगे ग्रुप करने के लिए। अब हमने यहाँ पर रोटेशन वाले ऑप्शन में एंगल में 90, कॉपीज में वन और यहाँ से अप्लाई। इस तरह से ये बन जाएगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब अपन क्या करना है, हैंड टूल से इधर एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए ठीक ठाक है। पिक टूल लिया, बाहर क्लिक डिसलेक्ट। अब मैंने फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको अनग्रुप करते हैं एक बार पूरा। चलिए ठीक है, देख लेता हूँ। इस प्रकार से अनग्रुप हो चुका है। यहाँ पर मैंने कुछ मॉडिफाई तो नहीं करना है, इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। चलिए ठीक है, और यहाँ से मैंने इसका आउटलाइन को 5.0 mm कर लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट और क्यू कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ में इधर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ट्रिम करूंगा। बाहर क्लिक डिस्प्ले, वापस सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ में अंदर वाले पार्ट, शिफ्ट के साथ में। हाँ चलिए ठीक है, यहाँ से ट्रिम करूंगा। वापस इसको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ में अंदर, यहाँ से ट्रिम। बाहर क्लिक फिर से सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ में इधर और यहाँ से ट्रिम। चलिए मैं देख लेता हूँ क्या हालत हुआ है। चलिए लगभग ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये ट्रिम हो चुका है। इसको मैंने डिलीट कर देना है। अब अपन क्या करना है, इसको इस प्रकार से इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका आउटलाइन को सेम करेंगे 5.0 mm इस तरह से, और कंट्रोल शिफ्ट क्यू करेंगे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। सिलेक्ट है इधर वाले पार्ट को शिफ्ट के साथ में, यहाँ से ट्रिम। बाहर क्लिक डिसलेक्ट, फिर से वापस सेलेक्ट शिफ्ट के साथ में अंदर वाला पार्ट, से ट्रिम। बाहर क्लिक डिसलेक्ट, वापस सेलेक्ट शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट, यहाँ से ट्रिम। बाहर क्लिक डिसलेक्ट, फिर से वापस सेलेक्ट शिफ्ट के साथ में इधर और यहाँ से ट्रिम। बाहर क्लिक डिसलेक्ट, देख लेता हूँ लगभग सेम इधर जैसा ही ये बन चुका है। चलिए इसको डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल जी करेंगे, ग्रुप हो जाएगा। इसको अभी मैं छोटा करूँगा इस प्रकार से। चलिए लगभग ठीक है। हैंड टूल के लिए प्रेस करेंगे, सेलेक्ट रहते हुए पी प्रेस करेंगे, ये जो पेज का जो साइज है इसका सेंटर में आ जाएगा। मैंने एक डुप्लीकेट बना लेनी है। सेलेक्ट करेंगे वापस, इसको ड्रा करेंगे इधर,
राइट क्लिक कॉपी हो जाएगा। हैंड टूल के लिए एक प्रेस करेंगे और इधर इसको इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे। पिक टूल सिलेक्ट रहते हुए टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से मैंने एक्सट्रूड टूल को सिलेक्ट कर लेना है और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। इस प्रकार से ये बन जाना है। अब मैंने क्या करना है, सिलेक्ट रहते हुए यहाँ से मैंने इसको 10 करके देखता हूँ। हाँ लगभग अभी ठीक हो सकता है मेरे ख्याल से। चलिए ठीक है, बाहर के लिए डिसलेक्ट। अब इसको इधर करेंगे, पिक टूल या अब इसमें मैं ड्रॉप शैडो मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से यहीं से मैंने एक बार क्लिक करना है, यहाँ से ड्रॉप शैडो में लेना है, इसमें क्लिक करेंगे, इस तरह से ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ देना है। इस तरह से ये शैडो बन चुका है। चलिए पिक टूल, अब अपन क्या करना है, टूल बॉक्स में जाएंगे और रेक्टेंगल टूल में डबल क्लिक करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर कोई भी कलर मैं अप्लाई कर देता हूँ फिलहाल के लिए। चलिए सियान कलर को अप्लाई कर दिया। पिक टूल जी प्रेस करेंगे और यहाँ से टेक्सचर कुछ रेडिमेंट वाला है, इसको मैं डाल देता हूँ। सिंपल पाइप लगा देता हूँ और यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ इस तरह से। चलिए बन गया। हाँ पिक टूल, या इसका साइज को मैं यहाँ से इंक्रीज करूंगा, कितना करूंगा, 1500 बाई 700, यानी कि 650 कर देता हूँ इस तरह से, और इसको मैं F9 करके एक बार डिस्प्ले करता हूँ। इस तरह से ये दिखाई देना है। तो दोस्तों यही था आज का छोटा सा ट्यूटोरियल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और मेरा आने वाला वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं हमारे वाले वीडियो में, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।